बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मुनीब, आई एम डिप्टी डायरेक्टर सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सुपीरियर यूनिवर्सिटी। हम यहाँ पे आए हैं, यूएसए में 20 लोगों का कोहोर्ट है जो कि पाकिस्तानी एजुकेटर है। हम यहाँ पे ऑकलैंड यूनिवर्सिटी यूएसए में हैं। यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है। दिस इज़ आर सेकेंड ईयर जो कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी और सुपीरियर ग्रुप के साथ एक एसोसिएटेड प्रोग्राम है, दैट इज़ फंडेड बाय यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, जिसमें हमने सीखा कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है और क्लासरूम में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है। आज तक हम जब भी देखते आए हैं, हम यही देखते आए हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में या तो कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है या कोई इससे रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी होती है, लेकिन आज तक हमने पाकिस्तान में कोई ऐसी डिसेबिलिटी को एक्सप्लोर ही नहीं किया जो कि लर्निंग होती है, जिससे मेंटल डिसेबिलिटी भी होती है, जिसे लोगों को पता नहीं चलता। यहाँ पर हमने ये सीखा और इसके रिलेटेड हमने रिसर्च की और इस रिसर्च से हमने सर्टन और जो है वो डिफरेंट एनालिसिस भी निकाले। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके और हमारे जो 20 का कोहोर्ट है उन्होंने बहुत कुछ सीखा। हम ये सारी लर्निंग जो है वो पाकिस्तान में अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में और अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पे इंप्लीमेंट करेंगे और सीखेंगे और लोगों को अवेयरनेस देंगे कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी की कोई ऐसी चीज़ है जिसको हमें कैटर करना चाहिए। जो है वो उसका शुक्रिया मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें ये प्रोग्राम जो है वो अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकें। डॉक्टर फजल अब्दुल रहमान साहब का शुक्रिया, सुपीरियर ग्रुप का शुक्रिया।